नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो आज बात करेंगे वे राजस्थान का एकीकरण चल रहा है और राजस्थान के एकीकरण के तीन पार्ट आप तक पहुंच गए होंगे। ये पार्ट नंबर चार होगा। पार्ट नंबर तीन जो अभी पहुंचा है कल परसों में आपके पास में, दोस्तों उसमें हमने ये क्लियर कर लिया था कि राजस्थान में जो 19 रियासतें हैं और 19 रियासतों के राजा कौन कौन थे और तीन ठिकाने हैं, तीन ठिकाने के राजा कौन कौन थे और उन रियासतों में से किस प्रकार के पर्सन बन सकते हैं। अब मुझे पार्ट नंबर तीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जिन्होंने पार्ट नंबर तीन नहीं देखा है मित्रों, वे पार्ट नंबर तीन देख ले। आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्योंकि वहां मैंने एक सीक्वेंस में 19 रियासतें आपको याद करवाई और दोस्तों उनके राजा मैंने याद करवाए थे और वहीं से रियासत और राजाओं को मैं यहाँ काम में लूंगा। तो पार्ट नंबर तीन दोस्तों बहुत मददगार होगा इस पार्ट नंबर चार के लिए। और पार्ट नंबर चार में हम लोग क्या करने जा रहे हैं वे सुन लीजिए आप लोग कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, वे एकीकरण आप सब जानते हो कि सात चरणों में हुआ। सात चरणों की क्या स्थिति है उसको मैं याद रखूंगा और एक डायग्राम के माध्यम से ही मैं याद रखूंगा। एक ऐसा डायग्राम मैं आपको दूंगा कि सातों चरण एक डायग्राम के अंदर ही आपको यहां मिल जाएंगे और वे डायग्राम का जो पीडीएफ है वे पीडीएफ में राजस्थान अशोक मीणा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उस लिंक पर आपको जाके आप वहां से पीडीएफ ले लें। अशोक राजस्थान अशोक मीणा टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों बहुत मजा आएगा यहाँ और उन सातों चरणों को बहुत आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन पार्ट नंबर तीन की मुझे बेहद आवश्यकता पड़ेगी। पार्ट नंबर तीन स्टूडेंट ने नहीं देखा है दोस्तों वे देख लेना। देखिए, हम जो एकीकरण की बात करने जा रहे हैं दोस्तों उसमें चार्ट हम लोग यहां बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे नंबर एक कि यहां हम लोग लिख रहे हैं क्रम संख्या, क्रम संख्या कि चरण की क्रम संख्या क्या है। नंबर दो, चरण का नाम। दोस्तों क्या लिख रहे हैं हम लोग? नाम, कि उस चरण का नाम क्या है। दूसरा हम लोग लिख रहे हैं कि वे चरण कब बना, यानी हम लिख रहे हैं तिथि। क्रम संख्या, चरण का नाम, वे चरण कब बना मतलब तिथि। आगे चलें तो रियासतें कि उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी, ये हम लोग यहां लेंगे। रियासतों के बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहां कि उस चरण का राजधानी क्या थी। दोस्तों राजधानी कौन सी थी। दूसरा हम लोग बात करेंगे राज प्रमुख किसे बनाया गया, राज प्रमुख किसे बनाया गया और उसकी राजधानी क्या थी। दोस्तों उसकी राजधानी क्या थी उसकी हम लोग बात करेंगे। और अंतिम जो पार्ट रहेगा हमारा लास्ट में, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तो लास्ट में जो हमारा रहेगा वे रहेगा उद्घाटन करता। उद्घाटन करता कि उस चरण का उद्घाटन किसने किया। ये सारणी आप भी एक पेपर में बना ले और उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलें। नंबर एक क्रम संख्या कि क्रम संख्या कौन सी थी। नंबर दो चरण का नाम। नंबर तीन चरण कब बना। नंबर चार उसमें शामिल होने वाली रियासतें। नंबर पांच राजधानी उस चरण की। आगे देखें राज प्रमुख कि उस चरण का राज प्रमुख कौन था, राजधानी और उद्घाटन करता, ये हमें दोस्तों देखना है यहां पे। देखो चरण नंबर हम बात करें तो सात चरण चलेंगे। चरण नंबर एक मैंने यहां लिखा है दोस्तों, एक हो गया। चरण नंबर दो यहां, चरण नंबर तीन दोस्तों, चरण नंबर चार, चरण नंबर पांच, चरण नंबर छह और चरण नंबर दोस्तों सात। कितने चरण हो गए? सात। चरण के नाम हम लिखें तो एक बार नाम लिख लेते हैं यहां पे। सबसे पहले हम लिखा है मत्स्य संघ। दोस्तों क्या लिखा है? मत्स्य संघ। ये चरण नंबर एक होगा, याद करवा दूंगा, चिंता ना करें आप लोग। दूसरा हम देखें दोस्तों तो हमारे पास में आएगा पूर्व राजस्थान संघ, ये मैंने यहां लिखा है पूर्व राजस्थान संघ। चरण नंबर तीन की हम लोग दोस्तों बात करें तो हमारे पास में होगा संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। चरण नंबर चार की दोस्तों हम बात करें
याद करवा दूंगा, चिंता ना करें आप लोग। वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान, ये दोस्तों मैंने यहां लिखा है। आगे हम बात करें संयुक्त, संयुक्त वृहद राजस्थान, ये दोस्तों मैंने यहां लिखा है। चरण नंबर छह की हम बात करें दोस्तों, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। और चरण नंबर सात की बात करें तो दोस्तों आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान। देखिए मित्रों, ये मैंने लिख दी है, अब इन्हें हम याद कैसे करेंगे? कोई रट्टा नहीं मानना, समझने का प्रयास करना। मत्स्य संघ आप सब जानते हो, पूर्व राजस्थान संघ। दोस्तों बहुत सी किताबों में राजस्थान संघ मिलेगा, जो कि गलत है, पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम होगा। अगर पूर्व राजस्थान संघ, अगर राजस्थान संघ यहां आ गया तो फिर नीचे राजस्थान संघ क्यों आएगा? और दोस्तों 19 रियासतों में से हम यहां 9 का विलय करेंगे, और सभी 19 रियासतें विलय हो जाएंगी तो हमारा संघ बनेगा। दोस्तों यहां हम बात करें तो हमारे पास 9 रियासतें आएंगी, और ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की। तो दोस्तों ये पूर्व राजस्थान संघ है, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ। अब ध्यान सुनना, हम पूर्व राजस्थान संघ में कुछ मिलाएंगे मित्रों, कुछ उसमें मिला रहे हैं, तो दोस्तों क्या बनेगा? संयुक्त। अब संयुक्त में हम और कुछ मिला रहे हैं, पहले संयुक्त किया, अब संयुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसमें आपने कुछ और मिला दिया तो ये क्या होगा दोस्तों? बड़ा हो गया। तो देखिए वृहद राजस्थान। अब दोस्तों बड़े में आप कुछ ज्वाइंट कर रहे हैं, ज्वाइंट मतलब कुछ और मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान। अब जोड़ दिया, अब जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो दोस्तों क्या बनेगा? संघ बनेगा, राजस्थान संघ। और दोस्तों फिर आज का हमारा राजस्थान बनेगा। मित्रों फिर देखें, याद हो गया होगा, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, कुछ मिलाइए, संयुक्त राजस्थान संघ, उसमें और मिला दो, संयुक्त नहीं लगेगा अब, तो बड़ा बन गया वृहद राजस्थान संघ। और दोस्तों अब उसमें और मिलेगा तो संयुक्त और लगेगा, वृहद राजस्थान। और दोस्तों जितना मिलाना था उतना मिला दिया, अब मिलाने की हमारे पास में कोई जगह नहीं बची, तो क्या बनेगा? राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ बन गया दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा आधुनिक राजस्थान, आज का राजस्थान। तो मैं समझता हूं 7 चरण आपके याद हो गए होंगे, चरण का नाम। अब दोस्तों हम बात करें तिथि की। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एकीकरण शुरू हुआ वे 1948 में हुआ, और 1948 में हमारे 3 चरण बने, 1949 में एक कम हो जाएगा 2 चरण बने, और 1950 में फिर एक कम हो जाएगा 1 चरण बना। यानी 1948 में दोस्तों कितने बने? 3। 1949 में 2, और 1950 में 1, और एक चरण अंत में बनेगा 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हमारा एकीकरण पूर्ण हो जाएगा। तो एक चरण कब बनेगा? 1956 में। देखिए हम लोग बात करें कि हमारा जो एकीकरण शुरू होगा दोस्तों वे 18 मार्च के दिन होगा, ये लगभग सभी बच्चों को पता है, 18 मार्च 1948 को। और हमारा एकीकरण समाप्त होगा, ये भी लगभग सभी बच्चों का आता है, 1 नवंबर 1956। देखिए हम बातें कर रहे थे कि 1948 में 3 चरण बने थे दोस्तों, मैंने 3 में क्या लिख दिया? 48। बात हम ये कर रहे थे कि 49 में 2 चरण बने थे दोस्तों, लिख दिया मैंने, ये लो 1949। और दोस्तों बात ये कर रहे थे कि 1950 में हमारे पास में एक चरण बना था, क्लियर। 48 में 3 आपके सामने, 49 में 2, 50 में 1, 56 में 1। देखो पहले जो 3 चरण है हमारे, वे 3 चरण 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो गए थे, 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो गए थे। यानी तीसरा चरण और पहले चरण के बीच में 1 महीने का अंतराल है, तीसरा, दूसरा नहीं दोस्तों, तीसरा।
तो 18 मार्च है, क्या बन जाएगा 18 अप्रैल। क्लियर। और पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे में मात्र 7 दिन का अंतराल है। 7 मतलब 25 मार्च, कितना मार्च दोस्तों 25, यानी 3 चरण 1 महीने के अंतराल में बनेंगे। तो पहला चरण 18 मार्च को, तो तीसरा चरण 25 अप्रैल को। और पहले और दूसरे में मात्र 7 दिन का अंतर है, तो 18 मार्च प्लस में 7 25 मार्च, यानी 3 चरणों की तिथि आपके सामने आ गई। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। क्लियर हुआ। देखिए हमारे पास आगे चलें तो 1949 में दोस्तों, यहां हमारे पास 30 है और 30 का आधा 15 होता है। 30 का आधा कितना होता है 15। देखो 30 है, 3 है तो मार्च है, और लास्ट में 5 है तो मई है। 30 मार्च 1949 और 15 मई 1949। क्लियर। 30 है, 3 है तो मार्च है, आधा 15 है, 15 है तो 5 है तो मई है। और दोस्तों राजस्थान संघ हम 1950 में बना रहे, और 1950 में तो एक ही तिथि है जो यादगार है, और वह तिथि कौन सी है दोस्तों, 26 जनवरी। तो दोस्तों मैं यहां क्या लिखूं, 26 जनवरी 1950। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ, बिना देखे प्रैक्टिस करें आप लोग दोस्तों, बिना देखे। अभी मैं आपको बहुत आगे ले जाना चाह रहा हूं, अभी ये पाठ तो सामान्य पाठ चल रहा है दोस्तों, कहानी तो आगे समझाऊंगा मैं आपको क्या कहानी बनेगी। 18 मार्च 1948 को, फिर 25 मार्च 1948 को, फिर 18 अप्रैल 1948 को। 1948 खत्म तो 1949, 30 का आधा 15, 3 मतलब मार्च, 15 मतलब 5 मई 1949, 26 जनवरी 1950 तो आएगा ही, और 1 नवंबर 1956। बताइए दोस्तों ये सातों चरणों के नाम याद हुए कि नहीं हुए, आराम से आप देख लें। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948, वृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949, संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949, राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956। बताइए मित्रों याद हो गया, आगे चले। अब यहां जो बात आई रियासतों की, तो दोस्तों ध्यान रखना यहां जो रियासतें हैं ये चरण नंबर 3 से ही हमको उठा के लानी है। जिन्होंने चरण नंबर 3 देख लिया मेरे मित्रों, तो यहां आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। और दोस्तों समस्या तो मैं आने भी नहीं दूंगा आपको, चिंता ना करें, मैं खड़ा हुआ हूं, आप तो मेरे साथ रहें, ठीक है। देखिए मुझे बताइए दोस्तों, हम लोगों ने एबीसी, ए बी सी और डी, एबीसीडी सीखी थी, ए बी सी डी यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। आगे ए अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, डी धौलपुर। क्लियर हुआ। अब मैं आपको यहां कहानी समझाता हूं, बहुत अच्छी तरह से कहानी सुनना। देखो फरवरी का महीना था, फरवरी 1948 में इन चारों राजाओं को, अलवर का तेज सिंह, भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह, करौली का गणेश पाल और धौलपुर का उदयवान सिंह, चारों राजाओं को रियासती सचिवालय ने दिल्ली बुलाया। इनमें से 3 राजा, अलवर को छोड़ दिया जाए, तो 3 राजा इस बात पर सहमत हो गए कि हां हम लोग विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। लेकिन भरतपुर के जो महाराजा है ब्रजेंद्र सिंह, इनके भाई मान सिंह इसके विरोध में था। और मैंने पहले बताया पार्ट नंबर 3 में कि मान सिंह ने एक नारा भी दिया था कि जाट झंडा खतरे में है, क्योंकि भरतपुर के महाराजा के भाई मान सिंह ये मानते थे कि मत्स्य संघ जाट विरोधी है। 3 राजा सहमत हो गए। अलवर के राजा, मैंने पहले कह दिया अलवर वाले तेज होते हैं, वैसे तेज नहीं है दोस्तों, ड्रामा करके तेज है। तो अलवर का महाराजा तेज सिंह और इनके एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था एनवी खर्रे, इन्होंने इंकार कर दिया कि हम तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे या हम लोग नहीं मिलेंगे। मत्स्य संघ में ऐसी कुछ कहानी, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके थे, लेकिन मत्स्य संघ की बात कर रहा हूं मैं, संघ में विलय की।
तो भाई इसका तोड़ निकाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन से कहा कि आप फटाक से अलवर जाइए, अलवर जाके स्थिति देख के आइए कि वहां की स्थिति क्या है। तो साहब वीपी मेनन अलवर आया। आने के बाद एक बात यहां पाई कि अलवर के महाराजा तेज सिंह और इनके प्रधानमंत्री जिनका नाम होता था एनवी खर्रे, इनके बारे में यह पाया कि महात्मा गांधी जी के जो हत्यारे हैं नाथूराम गोडसे और परचूरे, वे महात्मा गांधी जी की हत्या से पहले अलवर आए थे और यहां कुछ समय के लिए रुके थे। ऐसा जानकारी मिली कि उन्होंने गुप्त मंत्रणा भी इनसे की थी। वीपी मेनन ने फटाक से इन पर आरोप लगाया, आरोप लगा कि इन्हें दिल्ली बुलाया कि तब तक आपकी जांच होगी, तब तक आप दिल्ली में रहेंगे, और अलवर का जो प्रशासन है वे रियासती सचिवालय ने अपने अंडर में ले लिया और इस तरीके से रियासती सचिवालय के माध्यम से अलवर का विलय हुआ। क्लियर। अब बात आई राजधानी की, तो राजधानी की बात आई तो इन्होंने तय किया कि महाराजा को तो हमने बुला लिया, हालांकि बाद में महाराजा दोष मुक्त करार दिए गए थे, इन्हें निर्दोष साबित किया गया था, लेकिन एक बार सिर्फ विलय पत्र पे हमें विलय करने के लिए यह काम करना पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, देखिए राजधानी की बात करें तो यह कहा कि ठीक है भाई अलवर के महाराजा को हम लोग राजधानी दे देते हैं, तो अलवर को क्या दे दी? राजधानी। अब बात आई राजप्रमुख की, किसकी आई? राजप्रमुख की। दोस्तों यहां राजधानी मैंने डबल रिपीट कर दिया है, इसको हम लोग यहां प्रधानमंत्री लिख लेते हैं, प्रधानमंत्री, आप भी करेक्शन कर लेना कि राजधानी किसको बना दे? अलवर को। ठीक है साहब, बात आई राजप्रमुख की, तो राजप्रमुख दोस्तों ये जो चारों राजा हैं, चारों राजाओं में सबसे बुजुर्ग आयु के, सबसे ज्यादा उम्र के जो महाराजा थे दोस्तों, धौलपुर के महाराजा थे, और धौलपुर के महाराजा को या नाम हम पहले से ही याद कर चुके हैं कि सबसे पहले उदय होता है, सूर्य का उदय, भान का उदय धौलपुर में होता है राजस्थान में, तो उदय भान सिंह, तो इन्हें राजप्रमुख बना दिया। प्रधानमंत्री अलवर में एक शोभाराम कुमावत, आज भी बाबू शोभाराम वहां कॉलेज है, तो शोभाराम कुमावत अलवर के रहने वाले थे, उनको दोस्तों हमने प्रधानमंत्री बना दिया, और ज्यादा कोई बड़ा विषय नहीं था, आराम से विलय हो गए। तो दोस्तों क्या हुआ कि इसके उद्घाटन करता, जो उद्घाटन करने के लिए आएंगे, उनका नाम था एनवी गोडगिल। एनवी गोडगिल पूरा नाम इनका नर हरि विष्णु गोडगिल, जो कि एक केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा इनका उद्घाटन करवा दिया मत्स्य संघ का। देखिए राजधानी अलवर हो गई। दोस्तों राजप्रमुख की हम बात करें तो राजप्रमुख उदय भान सिंह, और उदय भान सिंह कहां के महाराजा थे? धौलपुर के। प्रधानमंत्री दोस्तों शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत को हमने क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। उद्घाटन करता दोस्तों, ये हो सकता है साइड में कटे तो ध्यान रखना, उद्घाटन करता यहां एनवी गोडगिल इसका उद्घाटन करेंगे। पूरा नाम है इनका नर हरि विष्णु गोडगिल, पूरा नाम क्या है दोस्तों? नर हरि विष्णु गोडगिल। क्लियर हुआ? देखिए अब ये पूरे पार्ट वहां तक बन गया। पहला चरण का नाम मत्स्य संघ कब बना भाई? 18 मार्च 1948 को बना। कितनी रियासतें शामिल हुई? चार। नाम क्या है? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। राजधानी किसको बनाई? अलवर को। राजप्रमुख उदय भान सिंह, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उद्घाटन करता एनवी गोडगिल। यहां तक समझ में आ गया? दो तीन बातें मैं आपको और बता दूं दोस्तों। ये जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ का जो नाम दिया, वे नाम KM मुंशी ने दिया था। KM मुंशी के सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा। उद्घाटन तिथि को लेके या मत्स्य संघ की तिथि को लेके हमें दो अलग अलग आंकड़े मिलते हैं दोस्तों। एक आंकड़ा मिलता है 17 मार्च का, और दोस्तों एक आंकड़ा मिलता है 18 मार्च का। मैं दोनों को क्लियर कर दूं दोस्तों, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ वे 17 मार्च को ही हुआ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 17 मार्च को इसका उद्घाटन हो चुका था, लेकिन दोस्तों इसने जो कार्य करना प्रारंभ किया, कार्य करना प्रारंभ 18 मार्च को किया दोस्तों। कब किया? 18 मार्च को किया। तो कार्य प्रारंभ 18 मार्च को किया, इसलिए 18 मार्च को इसकी तिथि मानी जाती है। तो 17 मार्च को उद्घाटन हुआ, 18 मार्च को कार्य करना प्रारंभ किया, और दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया था, वे उद्घाटन आपके जो भरतपुर का दुर्ग है, भरतपुर का दुर्ग, वहां इसका उद्घाटन हुआ था। तो पहला चरण का नाम दोस्तों क्या है? मत्स्य संघ है।
क्या नाम है? मत्स्य संघ। दूसरे की हम बात करें दोस्तों, पूर्व राजस्थान संघ। क्लियर? अब पूर्व राजस्थान संघ की हम बात करें, वापिस दोस्तों आपको वही जाना पड़ेगा, वही जाना पड़ेगा पार्ट नंबर तीन में। मैंने आपको बताया कि हमें एबीसीडी सीखनी है। क्या सीखनी दोस्तों? एबीसीडी सीखनी है। और एबीसीडी हम किससे सीखेंगे? बाबू की झाड़ू को परसाटो, बाबू की झाड़ू को परसाटो। देखिए मैं लिख रहा हूं, बाबू की झाड़ू को परसाटो। दोस्तों क्या लिखा है मैंने? बाबू की झाड़ू को परसाटो। देखिए बाबू की झाड़ू को परसाटो हम तोड़ेंगे तो दोस्तों इसमें 9 रियासत निकलेंगे। यहां 4 थी हमारे पास में। स्क्रीनशॉट आप बारी बारी से लेते रहें, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट आप बारी बारी से लेते रहें। देखिए हम बात करें यहां बाबू की झाड़ू को परसाटो, तो दोस्तों इसमें 9 रियासतें बनेंगी। नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 बूंदी, नंबर 3 किशनगढ़, नंबर 4 झालावाड़, नंबर 5 डूंगरपुर, नंबर 6 कोटा, नंबर 7 प्रतापगढ़, फिर शाहपुरा और फिर टोंक। कितनी रियासत होगी दोस्तों? 9। ये 9 रियासतें हो गई यहां पे हमारे पास में। अब इनकी कहानी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। देखिए कि जो कोटा के राजा है, मैंने आपको याद करवा चुका हूं कि दोस्तों कोटा आज की शिक्षा नगरी है, शिक्षा के मामले में सबसे भारी है। और हम जमाने की बात करें, महाभारत के टाइम की हम बात करें, तो दोस्तों ताकतवर जो थे वे ताकतवर कौन थे? भीम थे। तो दोस्तों कोटा के महारावल भीम सिंह अपने आसपास की रियासतों को लेके दिल्ली पहुंच गए। साहब समय था लगभग 3 मार्च का, मार्च के महीने में 3 मार्च के आसपास कोटा के महारावल के नेतृत्व में ये छोटी छोटी रियासतें हैं, छोटी छोटी रियासतें दोस्तों, ये रियासतें यहां की, ये दक्षिणी बेल्ट है राजस्थान का, ये रियासतें। इन्होंने सोचा कि अपना ज्यादा बड़ा अस्तित्व नहीं है तो अपन खुद मिलके ही यहां से चले। तो दोस्तों पहुंच गए, पहुंचे इन्होंने कहा जी हाड़ौती संघ के नाम से, किसके नाम से? हाड़ौती संघ के नाम से हमारा एक संघ बना दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है बना देंगे, लेकिन हमें एक बार विचार कर लेना चाहिए क्योंकि आपके बीच में एक उदयपुर रियासत भी आती है, तो क्यों ना हमें उदयपुर के महाराणा से बात कर लेनी चाहिए कि अगर उदयपुर के महाराणा सहमत हो जाते हैं तो उनको आपके साथ मिला देंगे और आपका एक संघ बन जाएगा। तो भाई रियासती सचिवालय ने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह से संपर्क किया, तो भूपाल सिंह और उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे सर राम मूर्ति, उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि हम लोग कभी भी किसी के अधीन होना नहीं चाहेंगे, हम इनके साथ शामिल नहीं होंगे। तो दोस्तों उस परिस्थिति में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने विरोध किया, उस परिस्थिति में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने विरोध कर दिया तो उसमें शामिल नहीं हुए, तो इसलिए उदयपुर यहां शामिल नहीं हुआ। बाद में जाके हम लोग यहां उदयपुर को मिलाएंगे, ध्यान सुनते जाना मेरी बात को, बाद में जाके हम उदयपुर को आगे मिलाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों कि हमारे पास में चरण नंबर कौन सा है दोस्तों? 2। चरण नंबर 2 में हम प्लस करेंगे किसको? उदयपुर को। यानी उदयपुर इनके साथ नहीं मिलेगा, अगला चरण एक और बनाया जाएगा, इसलिए दोस्तों उसका नाम क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। आगे बताऊं कहानी, चलिए अब क्या हुआ साहब, बात आई राजधानी की। तो दोस्तों इन रियासतों में, 9 रियासतों में सबसे बड़ी जो रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत, इन 9 की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी रियासत हमारी कोटा थी। तो दोस्तों कोटा को ही राजधानी बनाई, और क्योंकि इसमें जो पहल कर रहा है दोस्तों वे कोटा का राजा ही कर रहा है, तो राजधानी क्या बन गई? कोटा। इसके पीडीएफ डालूंगा आपको राजस्थान अशोक मुन्ना टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना ना। राज प्रमुख की बात आई तो दोस्तों कोटा के राजा भीम सिंह को ही हमने क्या बना दिया? राज प्रमुख। और दोस्तों एक गोकुल लाल असावा बूंदी के रहने वाले थे, गोकुल लाल असावा, हालांकि इनका जन्म तो बताते हैं टोक के, पता नहीं टोक में होना चाहिए शायद। तो गोकुल लाल असावा, ये गोकुल लाल असावा को हमने प्रधानमंत्री बना दिया दोस्तों। ज्यादा समस्या नहीं है, ये आपने देखा है,
तो उद्घाटन करता की भी हमें कोई बहुत बड़े व्यक्तित्व की जरूरत नहीं पड़ी। वी एन वी गौडगिल, पूरा नाम इनका नर हरि विष्णु गौडगिल। दोस्तों पूरा नाम क्या है? नर हरि विष्णु गौडगिल। नर हरि विष्णु गौडगिल से ही हमने उद्घाटन करवा दिया, तो उद्घाटन करता दोस्तों यही आ गया। तो चरण नंबर दो कंप्लीट, वे कहानी निकल के आ गई। चरण का नाम, दोस्तों सवाल आपसे ऐसे ही पूछेगा कि फला चरण का प्रधानमंत्री कौन था, राज प्रमुख कौन था, राजधानी कौन सी थी, कब बना, तो आपको ये बिल्कुल अंगुलियों पर आना चाहिए। और वे काम मैं कर रहा हूं, देखिए चरण नंबर दो, पूर्व राजस्थान संघ कब बना भाई? 25 मार्च 1948 को बना। कितनी रियासतें शामिल हो गई? 9 रियासतें शामिल हुई। बाबू की झाड़ू को परसाटो। राजधानी किसे बने दोस्तों? कोटा को। राज प्रमुख कौन? भीम सिंह। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। और दोस्तों आपसे पूछे उद्घाटन करता तो बता देंगे एन वी गौडगिल, यानी नर हरि विष्णु गौडगिल। तो दोस्तों चरण नंबर दो हमारा कंप्लीट हुआ। चरण नंबर तीन, मैं पहले कह चुका हूं हमें इसमें कुछ मिलाएंगे। मिलाएंगे मतलब अब ध्यान से सुनना है, चरण नंबर दो है, इस चरण नंबर दो में हम उदयपुर को मिलाएंगे दोस्तों, उदयपुर को हम इसे मिलाएंगे। तो दोस्तों चरण नंबर दो का महत्व खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा चरण नंबर दो का महत्व। जब चरण नंबर दो का महत्व खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास में चरण नंबर दो, दो में हम क्या मिला रहे हैं? उदयपुर। इसलिए हमने नाम क्या रखा दोस्तों? संयुक्त रखा है। अब साहब भूपाल सिंह को हम वापिस संभालते हैं। देखिए भूपाल सिंह ने उन परिस्थिति में मना कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं शामिल नहीं हूंगा। लेकिन मेवाड़ में जो जनजागृति के जनक माने जाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में जनता ने विरोध किया कि अब हम आजाद हो चुके हैं और मेवाड़ की 20 लाख जनसंख्या का फैसला अकेले महाराणा भूपाल सिंह और उसके प्रधानमंत्री सर राम मूर्ति नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका दबाव पड़ा मेवाड़ के महाराणा पर। तो दोस्तों ये 25 मार्च लिखा है ना, इस 25 मार्च से दो दिन पहले 23 मार्च के दिन ये जाएगा वहां, रियासती सचिवालय के पास मैसेज भेजेगा कि हम भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन उद्घाटन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी तो इसलिए इनको यहां नहीं मिलाया। अब इनसे बात की गई, इन्होंने कहा था साहब ठीक है शामिल हो जाऊंगा, तो बता भाई कैसे शामिल होगा? बोले साहब मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूर्ण कर दो तो मैं शामिल हो जाऊंगा। इनसे पूछा भाई जल्दी से बता क्या शर्तें हैं आपकी? तो इन्होंने नंबर एक शर्त, नंबर एक कही कि देखो हम लोग आपस में मिल रहे हैं, तो ये मेरा चरण है, इस चरण में मैं जा रहा हूं, तो कोटा राजधानी नहीं रहेगी। दोस्तों राजधानी तो एक ही रहेगी ना, दोनों को ज्वाइंट कर रहे हैं, ध्यान देना दोनों को ज्वाइंट कर रहे हैं ना, तो राजधानी कोटा नहीं रहेगी। बोला ठीक है भाई हम लोग राजधानी उदयपुर को बना देंगे। दूसरी बात, राज प्रमुख भीम सिंह नहीं रहेगा, मैं रहूंगा, ठीक है भाई आपको बना देंगे। अब बात तीसरी आई पैसों की, तो दोस्तों एक विचार करना कि तब हमें आजादी मिली, सरकार ने अपना काम शुरू किया, तो सरकार ने काम शुरू किया तो उसमें पैसा भी लगेगा, विकास कार्य होंगे, तो पैसा कहां से आया? अंग्रेज लोग तो हमें पैसा देके नहीं गए, पैसा कहां से आया गवर्नमेंट के पास में? दोस्तों ध्यान रखना ये राजा लोग हैं, इन्होंने जो अपनी पूंजी है उस पूंजी को जमा करवाया था, और सबसे ज्यादा जो राशि जमा करवाई राजस्थान के 19 राजाओं में आजादी के समय, एकीकरण के समय, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने करवाई थी दोस्तों, 4,87,00,000 के आसपास होना चाहिए, एग्जैक्ट में ध्यान नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा राशि बीकानेर के महाराजा ने जमा करवाई थी दोस्तों। अब इनके बदले इन्हें कुछ जीवन यापन के लिए पैसा दिया गया था, तो दोस्तों वे राशि 10 लाख रुपए निर्धारित की गई थी अलग अलग रियासतों की, हालांकि अलग अलग थी, तो इन्होंने कहा मुझे तो 20 लाख रुपए चाहिए, मेरा महत्व 19 राजाओं में अधिक है, मेरी रियासत मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास है, तो इसलिए मुझे अलग से सुविधा मिलनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जी 20 लाख रुपए ही देंगे आपको, लेकिन ये भी डर कि दूसरे राजा इसका विरोध ना कर ले, तो इन्होंने इस समस्या का हल निकाला। इन्होंने कहा कि आपको 10 लाख रुपए तो हम लोग दे देते हैं, 5 लाख रुपए राज प्रमुख पद का भत्ता दे देते हैं, और 5 लाख रुपए मेवाड़ उदयपुर के आसपास धार्मिक मंदिर ज्यादा है तो धार्मिक कार्यों के लिए हम 5 लाख रुपए और दे देते हैं, ऐसे करके आपके 20 लाख रुपए की पूर्ति कर देते हैं।
इन बातों से मेवाड़ के महाराणा सहमत हुए और सहमत होकर ये इस चरण में मिलेंगे। दोस्तों अब आपको इस चरण की मैं पूर्ति कर देता हूं। राजधानी दोस्तों, राजधानी कौन सी बनेगी? उदयपुर। तब राजधानी उदयपुर को बनाई गई तो मेवाड़ के सॉरी कोटा के राजा भीम सिंह विरोध करेंगे, हल्का सा विरोध करेंगे, तो इनसे कहा गया कोई बात नहीं, राजधानी उदयपुर को रहने दो, लेकिन ये जो संघ है, इसकी जो सरकार है, विधानसभा है, उसका एक अधिवेशन आपके कोटा के दुर्ग में करवा देंगे। तो यह तय हुआ कि इस संघ के सरकार का एक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन कोटा में भी होगा। बात आई राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख दोस्तों किसको बना दिया? भूपाल सिंह को। अब बात हुई भीम सिंह को भी हम कुछ देंगे, तो दोस्तों इस चरण में भीम सिंह को हम उपराज प्रमुख का पद दे देंगे। किसका दे देंगे मेरे मित्रों? उपराज प्रमुख का हम लोग पद दे देंगे। अब हम लोग बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री भी हम लोग बात करें तो मेवाड़ की बात कर रहे हैं, तो मेवाड़ में तो बहुत बड़े आदमी बैठे हैं, और उस आदमी का नाम क्या है? बहुत बड़े क्रांतिवीर है और नेता है, उनका नाम क्या है? माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों इस चरण का जो प्रधानमंत्री बनाएंगे हम लोग, किसको बनाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा को। क्लियर, उदयपुर को शामिल कर दिया। अब दोस्तों बहुत बड़ी खुशी हुई, खुशी दो कारण से, क्योंकि उदयपुर रियासत बहुत बड़ी रियासत है, और जो मैंने आपको रियासती सचिवालय की जो शर्तें बताई थी, तो उन शर्तों को पूर्ण करने वाली चार रियासतों में से एक रियासत उदयपुर भी थी, तो बहुत बड़ी खुशी हुई दोस्तों। तो उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे। कौन आएंगे? उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे। तो दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। बताइए चरण नंबर तीन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? हो गए दोस्तों, बताइए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे तो दोस्तों चरण नंबर दो को मैं यहां से हटा दूंगा, क्योंकि चरण नंबर दो को दोस्तों हम यहां मिला चुके हैं, चरण नंबर दो का हमारे पास कोई महत्व नहीं है। देखिए हम बात कर रहे हैं, तीन नंबर चरण बन गया, चार नंबर चरण दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एबीसीडी सीखनी है, और एबीसीडी बाबू की झाड़ू को परसाटो सीखेंगे, बाबू की झाड़ू को परसाटो कहां मिलेगा? उदयपुर में। जल्दी से जाना, नहीं आपने जाने में देरी कर दी तो दोस्तों इसको ले जाएंगे जे 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 और बी। कौन ले जाएंगे? जे 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 और बी। इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां चार रियासतों को मिलाएंगे इसमें, किसमें? वृहद राजस्थान में। तो नाम क्या हो गया? जे 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 बी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चार रियासत होगी। अब ध्यान सुनना आप लोग मेरी बात को, कि इस परिस्थिति में जो बात कर रहा हूं दोस्तों, एक बात बहुत अच्छी तरीके समझ लेना कि हमारे पास में ये जे जे बी कहां मिलेगी? सिरोही में, मैंने पार्ट नंबर तीन में समझाया है। इन परिस्थितियों में सिरोही राजस्थान में नहीं है, सिरोही यहां इस समय बंबई प्रांत का अंग है। तो बंबई प्रांत का अंग है तो मतलब 19 रियासतों में से हम एक रियासत कम कर देंगे, तो रियासत है कितनी बची? 18 में से 4 को हम यहां पड़ा है टुकड़ा, और 10 का टुकड़ा यहां पड़ा है, 14, और 4 का जे जे और बी है। अब क्या हुआ, इनसे संपर्क किया गया। अब आप देखो कि जो चार रियासतें हैं जो रियासती सचिवालय की शर्तों को पूर्ण कर रही हैं, चार में से तीन रियासतें हमारे पास में यहां है, एक तो उदयपुर हो गई, तीन ये रही, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो थोड़ा डर था, और दूसरा बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगता हुआ इलाका था, तो डर भी था कि कहीं गड़बड़ ना कर दे। और पार्ट नंबर दो में मैंने समझाया भी है कि जोधपुर के महाराजा अनुवंत सिंह ने तो मोहम्मद अली जिन्ना के बहकाव में आकर दम लगा दी थी पाकिस्तान में जाने के लिए, और मोहम्मद अली जिन्ना ने से इन्होंने पूछा था कि यदि मैं पाकिस्तान में मिल जाऊं तो आप मुझे क्या देंगे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि खाली कागज पर दस्तखत कर दूंगा, आपके जो मन चाहे ना वे लिख लेना, लेकिन आप पाकिस्तान में आ जाइए। लेकिन बाद में इनका मन बदला और इन्होंने अपनी रियासत को भारत की झोली में डाल दिया, तो यह डर भी था। तो दोस्तों यहां क्या हुआ, जयपुर के महाराजा से बात की गई कि बताइए भाई आप अपनी रियासत का विलय कर दीजिए। जोधपुर की कहानी में पार्ट नंबर दो में दे चुका हूं, इन्होंने कहा कर दूंगा।
लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आपने मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह की तो मानी है, उनका इतिहास बड़ा गौरवान्वित रहा था, हमारा भी गौरवान्वित है। उन्होंने मुगलों से अकबर से लड़ाई लड़ी है, तो हमने मुगलों की सेवा की है, उन्होंने तो हमारा भी कम गौरवान्वित इतिहास नहीं है। बोले भाई कहना क्या चाह रहा, सीधी सीधी कही है। बोले कहना ये चाह रहा हूं कि राजधानी हमारी जयपुर बननी चाहिए। बोले ठीक है साहब। बोले राज प्रमुख भी मैं रहना चाहिए। बोले ठीक है साहब। और प्रधानमंत्री भी मेरे जयपुर के बहुत बड़े नेता पंडित हीरालाल शास्त्री होने चाहिए। ऐसी बात इन्होंने कही कि ये बात मान लेंगे तो मैं शामिल हो जाऊंगा। अब क्या हुआ, तब ये चार रियासतें मिल जाएंगी तो हमारी 18 रियासतें हो जाएंगी, और एक रियासत हमारे पास है नहीं। तो रियासती सचिवालय ने एक विचार किया कि क्यों ना इन अब हमको राजस्थान के जो नेता है उनकी एक मीटिंग का आयोजन करना चाहिए, और मीटिंग का आयोजन करके हमें ये फिक्स कर लेना चाहिए कि क्या तो परमानेंट राजधानी बने, किसको राज प्रमुख बनाए, परमानेंट प्रधानमंत्री, ये चीज हमें तय कर लेनी चाहिए। ठीक है भाई। तो दोस्तों लगभग 27 फरवरी 1949 का समय था, लगभग एक महीने पहले फरवरी के महीने में एक मीटिंग बुलाई गई, एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूं आपको। एक मीटिंग का आयोजन किया गया, दिल्ली में सबको बुलाया, तो उसमें जो बड़े नेता थे वे चार थे। इनमें उस समय राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों, उनका नाम है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट वहां थे। मारवाड़ से जयनारायण व्यास, जयपुर से पंडित हीरालाल शास्त्री, और मेवाड़ से माणिक्यलाल वर्मा। इन चारों पांचों को वहां बुलाया गया और इनके साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इनसे पूछा गया कौन सी बात कहां देनी है। तो एक पी सत्यनारायण कमेटी थी। पी सत्यनारायण कमेटी ने यह कहा कि भाई ऐसा है, उस समय जो राजधानी बनाने की दौड़ में एक जोधपुर था एक जयपुर था, तो इन्होंने सिफारिश की जोधपुर भौगोलिक दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से राजस्थान की राजधानी बनाना थोड़ा सा समस्या है। हाँ, जोधपुर को एक बहुत बड़ा हम पद देंगे आगे चल के, तब हमारा संविधान लागू हो जाएगा, एक राजनीतिक पद जो कि आगे मुख्यमंत्री का होगा ये देंगे, लेकिन राजधानी तो जयपुर को ही बनाओ। तो पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर जो राजधानी बनाई गई वे जयपुर को बनाई गई। बड़े नगरों के ऐतिहासिक महत्व रखते हुए, उनके महत्वता को कायम रखते हुए उन्हें भी कुछ डिपार्टमेंट दिए गए। जैसे हम बात करें बीकानेर शिक्षा विभाग जो आज बीकानेर में है, जोधपुर में न्याय विभाग, उदयपुर में खनिज विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग, तो कहने मतलब इन्हें भी कुछ दिया गया। और ये हमने यहां फिक्स कर लिया कि देखो अब राज प्रमुख हम लोग ऐसे करते हैं, मान सिंह को बना दे, तो भोपाल सिंह कहेगा भाई मुझे क्यों नहीं बनाते। तो भोपाल सिंह के सम्मान को कायम रखते हुए एक पद और नया लागू किया जाएगा इस चरण में, और वे पद होगा महाराज प्रमुख का। तो इन्हें महाराज प्रमुख बनाए गए, और बहुत बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चरण का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। आइए हम लोग नोट करते हैं। यहां देखिए राजधानी दोस्तों परमानेंट जयपुर, भोपाल सिंह महाराज प्रमुख बनाए जाएंगे इस चरण में, और राज प्रमुख जो बनेंगे दोस्तों वे बनेंगे मान सिंह सेकंड, क्लियर, जयपुर के। और प्रधानमंत्री हमारे पास जो बनेंगे दोस्तों हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री ये प्रधानमंत्री बनेंगे। और दोस्तों मैं पहले ही कह चुका हूं कि उद्घाटन करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे। या फिर पूछ सकते हैं राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो दोस्तों बता देना आप लोग चरण नंबर 4 का किया। क्लियर, एकदम क्लियर हुआ। अब आप यहां नोट करें 30 मार्च, देखिए हमारे पास में क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहां JJB दोस्तों JJB के साथ में हम प्लस कर रहे हैं चरण नंबर तीन। और चरण नंबर तीन में मित्रों हमारे पास कितनी रियासत है, 10, और ये कितनी हो गई 4, तो कितनी रियासत हो गई दोस्तों 14। अब देखो चरण नंबर तीन का कोई महत्व नहीं रहा, जब चरण नंबर तीन का कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि चरण नंबर तीन को हम शिफ्ट कर चुके हैं, इसीलिए तो बड़ा हुआ है क्या वृहद राजस्थान। तो चरण नंबर तीन को मैंने यहां साफ कर दिया। ये देखिए दोस्तों अब हमारे पास में 4 का टुकड़ा 1 बच रहा है, और 10
प्लस में 4, 14 का टुकड़ा एक बच रहा है, और सिरोही इस परिस्थिति में हमारे पास नहीं है, बंबई प्रांत में है। तो हम माने कि राजस्थान का रियासती एकीकरण यहां दो टुकड़ों में जरूर पड़ा है, लेकिन हम कर चुके हैं, बहुत बड़ी खुशी हुई, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां उद्घाटन करने के लिए आएंगे। तो 30 मार्च का दिन हमारे राजस्थान के इतिहास में बहुत यादगार का दिन रहा है, और इसीलिए हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए कि पहला राजस्थान दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया दोस्तों, 1949 में मनाया गया, इसीलिए मनाया गया, आपके सामने रखा हुआ है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास दो टुकड़े बचे हुए हैं, टुकड़ा नंबर एक, टुकड़ा नंबर चार। टुकड़ा नंबर एक में हमारे पास ये राजस्थान का जो बेल्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पूर्वी राजस्थान की चार रियासतें हैं दोस्तों। कितनी रियासतें हैं दोस्तों? चार। चार रियासतों में बात करें तो दोस्तों हमारे पास में यहां इधर देखें, 1, 2, 3, 4, हमारे पास एक करौली है, एक धौलपुर है, एक हमारे पास में धौलपुर भरतपुर हो गया, और एक अलवर हो गया, यानी चार रियासतें हैं दोस्तों। चारों रियासतों में मतभेद हो गया, ये हो गया कि ये लोग भरतपुर और धौलपुर के तो एक गुट हो गए, ये कहते नहीं जी हमें तो राजस्थान में शामिल नहीं होना, हमारा तो एक अलग से ब्रज प्रदेश बना दो, तो ब्रज प्रदेश की मांग उठने लगी। अलवर और करौली ये कहता है नहीं जी हम तो राजस्थान में मिलेंगे, ऐसी समस्या हमारे सामने आई। और वैसे भी मत्स्य संघ का अलग से कोई महत्व नहीं है, मत्स्य संघ को भी हमें इसमें विलय करना है, एक ही संघ बनाना है। तो दोस्तों इस समस्या के समाधान के लिए इन चारों राजाओं को वहां बुलाया गया, प्रतिनिधि वहां गए, इनसे बात की, बात बनती नजर नहीं आई, तो एक कमेटी का गठन किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक कमेटी गठन किया गया जिसका है नाम है शंकर राव देव कमेटी। बहुत अच्छा सवाल बनेगा, शंकर राव देव कमेटी, ये 3 सदस्यीय कमेटी थी दोस्तों, इसके 2 अन्य सदस्य हैं, एक का नाम है आर के सिद्धवा और दूसरे के नाम है दोस्तों प्रभुदयाल। बहुत अच्छा सवाल बनेगा, अगर एक एक करण से बढ़िया सवाल बनेगा, बढ़िया सवाल, कठिन सवालों में, तो दोस्तों यह सवाल सामने आएगा, निम्न में से कौन सा सदस्य शंकर राव देव कमेटी का सदस्य नहीं था, शंकर देव राव कमेटी में कौन सदस्य थे। दोस्तों ये 3 आदमी थे, इनसे कहा कि आप जांच कीजिए और भरतपुर और धौलपुर की जनता से बात कीजिए कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि अधिकांश जनता राजस्थान में ही विलय होना चाहती है। तो दोस्तों शंकर राव देव कमेटी की सिफारिश पर हम मत्स्य संघ को किस में मिलाएंगे? वृहद राजस्थान में मिलाएंगे। इसलिए दोस्तों क्या लिखा गया है? संयुक्त लिखा गया है। 15 मई 1949 को बनेगा दोस्तों, और इसमें हम कुछ नहीं लिखना, ये लिखना है चरण नंबर 1 प्लस में दोस्तों 4, बाकी ये चीजें यथावत रहेंगी। इसका मतलब हमारे पास कितनी रियासतें आ चुकी हैं दोस्तों? 18, यानी हमने मत्स्य संघ का विलय कर दिया वृहद राजस्थान में। तो दोस्तों चरण नंबर 1 और चरण नंबर 4 का हमारे पास अब कोई महत्व नहीं रहा, स्क्रीनशॉट आप लेते रहने लगातार। चलिए दोस्तों इनका हमारे पास कोई महत्व नहीं रहा, अब देखिए हम नीचे आ गए, देखिए नीचे क्या होता है, अब ध्यान सुनना आप लोग, मैं यही समझा रहा हूं आपको कि 18 रियासतों का विलय हो चुका है, एक संघ पड़ा है संयुक्त वृहद राजस्थान, एक रियासत हमारी सिरोही बाकी है। देखिए हम बात करें दोस्तों, ये रही सिरोही। अब हमारे राजस्थान के नेताओं ने सिरोही पर जोर लगाया और सिरोही 1947 के आसपास इसे बंबई प्रांत का अंग बना दिया था, यानी ये बंबई प्रांत में है, ये ध्यान समझे आप, सिरोही हमारे पास नहीं है। अब राजस्थान के नेताओं ने जोर लगाया कि हमें सिरोही प्राप्त करनी है, तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सॉरी हीरालाल शास्त्री ने, पंडित हीरालाल शास्त्री ने पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि देखो जी हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान को नहीं चला सकते। तो गोकुल भाई भट्ट को समझ लीजिए पहले, ये क्यों कहा, सिरोही में एक गांव पड़ता है हाथल गांव, और आथल गांव के रहने वाले थे गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें हम राजस्थान का गांधी कहते हैं,
इनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था राजस्थान की राजनीति में, और उस समय ये कांग्रेस के प्रांतीय कांग्रेस, राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए जी। पंडित हीरालाल शास्त्री ने सोचा गोकुल भाई भट्ट को मांगेंगे, और गोकुल भाई भट्ट सिरोही के रहने वाले हैं तो हमें पूरा सिरोही मिल जाएगा। तब ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंची, जो कि सिरोही देना नहीं चाहते थे क्योंकि गुजरात के रहने वाले थे, उनके पास पहुंची। उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि गोकुल भाई भट्ट चाहिए इनको, बिना गोकुल भाई के भट्ट के राजस्थान के प्रशासन को नहीं चला सकते, गोकुल भाई भट्ट चाहिए इनको। तो उन्होंने कहा गोकुल भाई भट्ट चाहिए तो इनकी मांग मैं पूर्ण कर दूंगा। उनको पता था कि जो सिरोही में जो कुछ है तो वह है आबू देलवाड़ा में, पर्यटन जो स्थल है वह है आबू देलवाड़ा में, ध्यान सुनना। उन्होंने कहा ठीक है जी, और ये हाथल गांव आबू देलवाड़ा से दूर पड़ता है। इन्होंने कहा ठीक है, राजस्थान के वासियों की मांग को मैं पूरी कर दूंगा, उन्हें मैं गोकुल भाई भट्ट दे दूंगा। तो दोस्तों हुआ क्या, 26 जनवरी 1950 को ये जो आबू देलवाड़ा है ये 304 वर्ग मील का क्षेत्रफल है और 89 गांव थे, यानी 89 गांव और लगभग, मोटा सा बता रहा हूं मैं, 304 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, वर्ग मील का जो भी है, 89 गांव है, वे आबू देलवाड़ा को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में रख लिया। यानी मैं कह दूं कि हमें सिरोही मिला लेकिन आबू देलवाड़ा छोड़कर सिरोही मिला, इसलिए दोस्तों मैं यहां लिख रहा हूं कि आबू देलवाड़ा को छोड़कर, किसमें लिख रहा हूं कि क्या मिलाया गया, तो आबू देलवाड़ा को छोड़कर दोस्तों, किसको, आबू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही, समझ में आ गया क्या मिलाया, कि आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया बाकी संपूर्ण सिरोही हमें दे दिया। राज प्रमुख यथावत रहेगा, राजधानी यथावत रहेगी। दोस्तों एक पद चला रहा है प्रधानमंत्री का, और हम लोग कब है, 26 जनवरी 1950 को चरण नंबर 6 में पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप सब जानते हो कि प्रधानमंत्री का पद, जैसे हमें 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू होगा, तो जो प्रधानमंत्री का पद था उस प्रधानमंत्री के पद को केंद्र में लागू किया जाएगा, राज्यों में एक नया पद लागू किया जाएगा, उसका नाम क्या रहेगा, मुख्यमंत्री। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री के पद पर, तो दोस्तों वे कौन है, हीरालाल शास्त्री। अब अचानक से इस पद का प्रधानमंत्री की जगह क्या कर दिया दोस्तों, नाम कर दिया मुख्यमंत्री। 26 जनवरी 1950 को पद नाम बदला है, अभिव्यक्ति वही है। अब दोस्तों आपको पता है 26 जनवरी 1950 को मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री तब बनता है तब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, और विधानसभा के इलेक्शन जो सबसे पहले हुए मैं आपको बताऊंगा कि वे जनवरी के महीने हुए थे, 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 को हमारे विधानसभा के इलेक्शन हुए। 11 दिन तक मतदान चला, 616 प्रत्याशियों ने भाग लिया, फिर उसके रिजल्ट आएंगे, और 3 मार्च 1952 को राजस्थान की पहली विधानसभा गठन होगा, टीकाराम पालेवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये सब होगा, वे निर्वाचित होगा दोस्तों, यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, और सब इलेक्शन नहीं हो रहे तो दोस्तों इन्हें मनोनीत किया जा रहा है, तो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री होंगे 26 जनवरी 1950 को। इसी चरण में इनको आगे लेके जा रहा हूं, आगे वाले बॉक्स में, तो ये आपको समझना है। क्लियर, समझ में आ गया। तो चरण नंबर 6 में क्या किया हमने, आबू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही मिलाया दोस्तों, किसमें मिलाया, चरण नंबर 5 में, यानी चरण नंबर 5 हमारे पास 18 प्लस में एक रियासत, कौन सी, सिरोही। 19 रियासतें आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों हमारा आबू देलवाड़ा का रोड़ा है, आबू देलवाड़ा हमारे पास अभी भी नहीं है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा आबू देलवाड़ा को प्राप्त करने का। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल देना नहीं चाहते थे, गुजरात बंबई प्रांत के लोग देना नहीं चाहते थे, राजस्थान वाले छोड़ना नहीं चाहते थे, विवाद आगे बढ़ा, तो एक कमेटी का गठन किया गया, उसे कहते हैं भाषाई आधार पर पुनर्गठन आयोग। फजल अली के नेतृत्व में एक भाषा आधार पर पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाएगा, इस विवाद को उसे सौंप दिया जाएगा, वे अपनी सिफारिश करेंगे और
1 नवंबर 1956 को दोस्तों हमें आबू देलवाड़ा वापस मिल जाएगा और वे कहानी समझा रहा हूं। यानी एक चरण हमारा बाकी रह गया दोस्तों। अब चरण नंबर कौन सा है? 7। देखो 7 की मैं कहानी समझा रहा हूं, बोर्ड पे ऊपर लिख रहा हूं, आप समझना सर नीचे ही लिख रहे हैं, थोड़ा अच्छी तरह समझ आए इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखो ध्यान सुनना आप लोग, दोस्तों चरण नंबर 7 की जो स्थिति है, चरण नंबर 7 यानी आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान दोस्तों, आधुनिक राजस्थान जो हमें मिलेगा, आधुनिक राजस्थान का मतलब आज का राजस्थान, ना इंच बड़ा ना इंच घटा, उसे कहते हैं आधुनिक राजस्थान। आज का राजस्थान मतलब राजस्थान की सीमा, ये आप लोग पढ़ते हो। ये राजस्थान जो हमें मिला वे 1 नवंबर 1956 को मिलेगा, इसलिए आधुनिक राजस्थान हम कहते हैं। 1 नवंबर 1956 जो कि एकीकरण का चरण नंबर 7 होगा। इसमें क्या होगा ध्यान सुने आप लोग, कि हमारे पास में जो आबू देलवाड़ा है दोस्तों, आबू देलवाड़ा जो कि आबू देलवाड़ा को 26 जनवरी 1950 को बंबई प्रांत में रखा, वे आबू देलवाड़ा हमें मिल गया। किस पे मिला? भाषाई पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। एक नंबर आबू देलवाड़ा मिल गया। नंबर दो, हमारे पास दोस्तों यहां मंदसौर पड़ता है, मंदसौर एमपी में। मंदसौर का एक गांव होता था दोस्तों सुनील टप्पा, सुनील टप्पा दोस्तों, ये सुनील टप्पा जो कि मध्य प्रदेश का था, मंदसौर का था, इस सुनील टप्पा को राजस्थान में लिया गया दोस्तों। राजस्थान में कौन से जिले में? झालावाड़ में। यानी हमने मध्य प्रदेश से राजस्थान में लिया है, कहां लिया है? झालावाड़ में दोस्तों। कई जगह आपको कोटा मिलेगा, कोटा नहीं है, झालावाड़ में। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? यानी आबू देलवाड़ा लिया हमने, हमारा था, लिया क्या? हमारा ही था ना। हाँ, सुनील टप्पा जो कि मंदसौर एमपी का है, झालावाड़ में लिया। और दोस्तों एक झालावाड़ पड़ता है, झालावाड़ में एक इलाका है दोस्तों, उसे कहते हैं सिरोंज, सिरोंज। ये जो सिरोंज है दोस्तों, ये झालावाड़ का था, इसे एमपी में दिया। तो परिवर्तन नंबर 3 हो गया। नंबर 1 आबू देलवाड़ा हमारा था, हमने ले लिया। सुनील टप्पे मध्य प्रदेश का था, हमने ले लिया। झालावाड़ का सिरोंज जो हमारा था भी मध्य प्रदेश को दे दिया। तो ये तीसरा परिवर्तन, ठीक है। और दोस्तों एक हमारे पास पड़ता है अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था। दोस्तों ध्यान सुने आप लोग, आपके आप एक विचार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने रियासतों का विलय तो बता दिया, कौन सी रियासत का विलय कब हो रहा है, लेकिन आप तो ठिकानों को तो भूल ही गए। ध्यान रखना, जो ठिकाना जिस रियासत में आता था उस रियासत के साथ ही उस ठिकाने का विलय हो गया। नीमराणा का अलवर के साथ, लावा का जयपुर के साथ, कुशलगढ़ का बांसवाड़ा के साथ, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। अभी आपको आगे बताऊंगा जो कि पार्ट नंबर 5 होगा, उसमें अजमेर मेरवाड़ा की अलग से एक विधानसभा होती थी जिसे धारा सभा कहते थे, और हरिभाव उपाध्याय उस समय वहां के मुख्यमंत्री होते थे। तो वहां के नेताओं की कभी मंशा नहीं थी कि अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिले, उनकी मंशा यही थी कि अजमेर मेरवाड़ा को एक केंद्र शासित प्रदेश का ही दर्जा दिया जाए। लेकिन भाषाई पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा छीना, और दोस्तों उसका विलय कहां किया गया? राजस्थान में किया गया। और इसी दिन आपका जो अजमेर है राजस्थान का 26वां जिला बना, यानी केंद्र शासित प्रदेश से उससे दर्जा छीनकर 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को बना दोस्तों, वे अजमेर था। तो अजमेर मेरवाड़ा को भी यहां विलय किया गया। उसके बाद में राजस्थान की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का निर्धारण हो गया। उसके बाद ना इंच इधर गया राजस्थान, ना इंच इधर आया, इसलिए कहते हैं आधुनिक राजस्थान। और इस दिन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे दोस्तों, वे थे मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। इसलिए आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं दोस्तों, वे किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया क्रांतिकारी वाले पार्टों में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया
आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुकारेर कहते हैं। ये जो बॉर्डर मिला 1 नवंबर 1956 को मिला दोस्तों, और इस दिन हमारे राजस्थान में कितने जिले थे? 26। और उसके बाद में जिलों का गठन हुआ। 26वां जिला था दोस्तों वे अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश की जगह अजमेर को बनाया गया। अब ध्यान दे, ये राजस्थान जो बन के आया हमारे सामने, वे 1 नवंबर 1956 को बन के आया, इसलिए 1 नवंबर का दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च का दिन राजस्थान दिवस, और 1 नवंबर का दिन राजस्थान स्थापना दिवस, और 21 फरवरी का दिन राजस्थानी भाषा दिवस। स्थापना दिवस का मतलब समझ गए कि राजस्थान को यह बॉर्डर मिला, ये 1 नवंबर 1956 को मिला। तो दोस्तों यहां सातवें चरण में एक परिवर्तन और होगा। देखिए कि हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जो कि मुख्यमंत्री होंगे, दोस्तों हमारे पास एक पद चला रहा था, राज प्रमुख का पद, ये हमारे 1 नवंबर 1956 को जैसे एकीकरण पूर्ण होगा तो इस राज प्रमुख के पद को समाप्त किया जाएगा। समाप्त करके यहां एक नया पद लागू किया जाएगा, राज्यपाल। और राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वे राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे तो हमारे जो पहले राज्यपाल थे राजस्थान के, वे थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो राजस्थान में एक एक राज्यपाल का जो पद है वे लागू किया, वे 1 नवंबर 1956 को किया, और राज प्रमुख का पद जो समाप्त किया वे 1 नवंबर 1956 को किया। क्लियर। और इस दिन ए श्रेणी का राज्य राजस्थान बना। मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि भारत की आजादी के समय भारत 4 श्रेणियों में विभाजित था, ए बी सी डी। इन चारों श्रेणियों को 1956 में 7वां संविधान संशोधन होगा, और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इन चारों श्रेणियों को समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो एकीकरण था आपका 18 मार्च 1948 को चला और 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। किताबों में ऐसा लिखा मिलता है कि ये समय लगा वे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का लगा। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये 8 वर्ष 7 माह 14 दिन फिक्स नहीं बैठ रहा, तो भाई आप निकाल के देख लेना, मेरा तो गणित कमजोर है। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। तो दोस्तों ये जो एकीकरण है बहुत अच्छी तरीके से, जितना मेरे से बना उतना ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। रट लेना, इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल को उपलब्ध करा दूंगा। रायथान के साथ आप लोग सब बने रहे। एक पार्ट और आएगा एकीकरण का दोस्तों, वे पार्ट एक छोटा सा आएगा, मुश्किल से 15 मिनट का पार्ट, और उसको मैं नाम दूंगा राजस्थान की पहली विधानसभा। और राजस्थान की पहली विधानसभा क्यों? क्योंकि 1952 से लेकर 1956 तक विधानसभा में क्या हुआ उसकी हमको चर्चा करनी है दोस्तों। वहां फिर समझ में आएगा कि मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री क्या होते हैं। तो दोस्तों आपको यदि हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो, रायथान का प्रयास पसंद आ रहा हो, अशोक मीणा का प्रयास पसंद आ रहा हो, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें, और दोस्तों अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के ना पैसे आपको मिलते हैं दोस्त लगते हैं, ना हमें मिलते हैं। सब्सक्राइब करने कोई पैसा नहीं लगते। बहुत से बच्चे कहते हैं सर कि सब्सक्राइब करेंगे सर पैसे मिलेंगे आपको, या सर हम सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पैसे कटेंगे। नहीं मित्रों, सब्सक्राइब से पैसे का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इससे चैनल की ग्रोथ मानी जाती है, चैनल की तरक्की मानी जाती है, एक चैनल का जो परिवार है वे बढ़ता है। तो अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें वीडियो को, पसंद लाइक करें दोस्तों, और आप लोग कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करते रहे दोस्तों। यदि ईमानदारी के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों कमेंट करके हमें संदेश जरूर दें कि हाँ सर ये आप लोग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और दोस्तों जो आपका सुझाव है उस सुझाव को दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग। सभी को एक बार नमस्कार। एक पार्ट और आएगा एकीकरण का, मुश्किल से 10 या 15 मिनट का बन के आएगा, उससे मैं समझाऊंगा राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या, कि पहली विधानसभा की सदस्य संख्या क्या थी, और वही मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाव उपाध्याय वे क्या होते थे, धारा सभा क्या थी, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद, हमारी ओर से आप सबको राम राम साहब, नमस्कार।